अपने फिटनेस सिक्स पैक एप्स और फिजिक की वजह से एक नहीं कई बार मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड का खिताब जीतने वाले ऋतिक रोशन को कौन नहीं जानता। अभिनेता को प्यार से बॉलीवुड का ग्रीक गॉड भी कहा जाता है और इसके पीछे की वजह है उनका लुक जिसकी दुनिया दीवानी है। ऋतिक रोशन की तराशी हुई बॉडी, फिटनेस और हैंडसम लुक को देखते हुए फैंस ने उन्हें ग्रीक गॉड का टाइटल भी दिया हुआ है। लेकिन ये टाइटल हासिल करने वाले ऋतिक पहले इंसान नहीं है बल्कि ऋतिक को किसी और का ही टाइटल मिला है। भले ही ऋतिक रोशन को बॉलीवुड का ग्रीक गॉड कहा जाता हो पर वो पहले इंसान नहीं है जिन्हें ये खिताब मिला है। ग्रीक गॉड का पहला खिताब उस दौर में एक नौजवान को मिला था जब ना तो ऋतिक रोशन का जन्म हुआ था और ना ही फिल्मों ने बोलना शुरू किया था। उस दौर में इस एक्टर का लंबा कद, गठा हुआ फिजिक और स्मार्ट लुक गजब धाते थे जिसे देखकर एक हीरोइन ने उन्हें हीरो बनने का रोल ऑफर करा। इसके बाद सिनेमाई पलक पर ऐसे रोशन हुआ ये नौजवान कि आज उनकी चार पीढ़ियां बॉलीवुड में चमक रही हैं। तस्वीरों में दिखने वाला शख्स हूबहू ऋतिक जैसा जरूर लग रहा होगा मगर इनका ऋतिक से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तस्वीर में दिखने वाला ये खूबसूरत सा शख्स पृथ्वीराज कपूर है जिन्होंने बतौर एक्टर हिंदी सिनेमा को नया आयाम दिया। हिंदी फिल्म जगत के मुगले आजम पृथ्वीराज कपूर बुआ से महज 72 रुपए लेकर अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आए थे। फिल्मों से जुड़े लोगों के आसपास रह सके इसलिए फिल्म स्टूडियो के गार्ड की मदद ली और काम में जुट गए। साइलेंट फिल्मों के उस दौर में साइड एक्टर्स मुश्किल से ही नजर आते थे। एक दिन यहूदी एक्ट्रेस अरमेलिन की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने ही पहली बार पृथ्वीराज कपूर की पर्सनालिटी को देखकर ग्रीक गॉड के शब्दों के साथ उनकी तारीफ की और उन्हें पहली बार सिनेमा गर्ल नाम की मूवी में कास्ट किया। पृथ्वीराज कपूर को पहली बोलते फिल्म अलमारा में काम करने का भी मौका मिला। पृथ्वीराज कपूर साल 1972 तक फिल्मों में एक्टिव रहे और अपने लुक और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाते रहे। पृथ्वीराज कपूर ने साल 1944 में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। पृथ्वीराज कपूर बॉलीवुड के नामचीन कपूर घराने के मुखिया हैं, जिनके बाद कपूर खानदान के सेम को आगे बढ़ाया उनके बेटे राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर ने। इसकी अगली पीढ़ी में रणधीर कपूर, ऋषि कपूर का नाम भी हिट हुआ और अब करिश्मा, करीना, रणधीर कपूर भी फिल्मों में एक्टिव हैं। ये सिलसिला यहीं तक नहीं थमा। तैमूर, जिह और अब राहा भी छोटी सी उम्र में ही लाइमलाइट बटोरते नजर आते हैं। आज की खबर के लिए शिखा मेहरोत्रा की रिपोर्ट।